हेलो व्यूअर्स, आज हम लोग VFD के बारे में डिस्कस करेंगे और VFD का फंक्शन क्या है, VFD क्या है, उसका काम क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या है, उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सो हम लोगों को जो वीडियो है वो एंड तक देखिए, आपका कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कीजिए। तो व्हाट इज़ VFD, VFD क्या है, VFD का काम क्या है, इसके बारे में हम लोग फास्ट डिस्कस करेंगे। तो VFD का काम क्या है और VFD क्या है, तो VFD का जो कंपोनेंट है इसमें है कंट्रोल यूनिट भी है, रेक्टिफायर भी है और DC लिंक और साइन फिल्टर भी है और उसमें साइन फिल्टर चोक भी है और इन्वर्टर भी है, उसमें कूलिंग फैन भी है। मतलब VFD का हर एक तरफ का काम है, इसमें इन्वर्टर भी है और उसमें रेक्टिफायर भी है और इसमें कंट्रोलर भी है। तो ये क्या है, ये वन टाइप ऑफ मोटर कंट्रोलर। तो इसमें हम लोग क्या किया, VFD में आपका जो मोटर का स्पीड हम लोग कंट्रोल करते हैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज का हम लोग वेरी करके। तो आपका जो VFD में काम क्या है, आपका मोटर का स्पीड कंट्रोल होता है आपका बाय वेरिंग द फ्रीक्वेंसी एंड द वोल्टेज सप्लाई। आपका जो वोल्टेज सप्लाई है और फ्रीक्वेंसी का जो है उसमें वेरिंग करके हम लोग मोटर का जो स्पीड है ये हम लोग कंट्रोल करते हैं। तो VFD का मेन जो रीजन है यूज करने का वो उसमें है, आपका जो फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज वेरी करके मोटर का स्पीड वेरी होगा। तो इसमें एडवांटेज क्या होगा, एडवांटेज होगा आपका जो एनर्जी है और आपका जो इम्प्रूव सिस्टम एफिशिएंसी है, आपका एनर्जी सेव होगा, इसलिए आपका सिस्टम का जो एफिशिएंसी है वो भी आपका इंक्रीज होगा। मतलब आप एनर्जी जब सेव किया आपका भी बिल भी कम आएगा और आपका जो सिस्टम का जो एफिशिएंसी है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज होगा। तो इसलिए हम लोग वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव को हम लोग स्पीड कंट्रोल ड्राइव और इसको हम लोगों को AC ड्राइव भी बोलते हैं। तो उसमें और भी एडवांटेज है, इसमें हम लोग क्या किया, इसमें हम लोग एनर्जी हम लोग जो कन्वर्ट किया पावर को उसमें हम लोग हाइब्रिडाइजेशन एप्लीकेशन में हम लोग नाउ डेज जो एप्लीकेशन है, हाइब्रिडाइजेशन जो एप्लीकेशन है उसमें हम लोग ये जो VFD ये हम लोग यूज करते हैं। तो इसलिए हम लोगों को यूज करते हैं, क्यों, आपका जो एनर्जी सेव होगा वो उसमें आपका जो खर्चा है वो भी घट जाएगा, तो आपका बेनिफिट होगा, आपका हाई बेनिफिट होगा। इसलिए हम लोग जो हाइब्रिडाइजेशन जो एप्लीकेशन है जो जिसमें हम लोगों को VFD है वो हम लोगों को यूज करते हैं, नॉन अदर देन द SMPS और अदर इलेक्ट्रॉनिक्स ड्राइवर और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। और हम लोगों को जो SMPS है इसका टाइप डिवाइस हम लोग यूज नहीं करते हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन एप्लीकेशन में हम लोग VFD यूज करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या किया, इसमें हम लोग आपका जो स्पीड है, आपका जो ड्राइव का जो स्पीड हम लोगों को चाहिए, आपका जो रिक्वायरमेंट जो चाहिए, तो उसमें आपका मैच होगा, स्पीड जो मैच होगा, तो मैच में मैच हम लोगों को जो VFD है VFD में हम लोग करते हैं। तो VFD का हर एक फंक्शन है, इसमें हम लोग इन्वर्टर का भी है, रेक्टिफायर भी है और इसमें आपका जो स्पीड है एप्लीकेशन में जो स्पीड आपको चाहिए, जो मैचिंग स्पीड चाहिए वो आपको क्या देगा, वो VFD देगा। तो इसमें आपका जो वर्किंग इन्वायरमेंट है वो भी इंक्रीज होगा और आपका नॉइज भी कम होगा और इसमें आपका जो हर एक तरह का जो एप्लीकेशन है, आपका जो फैन है, पाम्स है, आपका जो रेफ्रिजरेटर है, तो इसमें हम लोग VFD यूज करते हैं। तो इसमें आपका लेस नॉइज है और आपका जो बिल भी कम लगेगा, आपका एनर्जी भी सेव होगा, आपका जो वर्किंग जो इन्वायरमेंट है वो भी इंक्रीज होगा। तो इसलिए हम लोग VFD को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग यूज करेंगे नाउ डेज जो जो एप्लीकेशन है उसमें हम लोग अदर्स जो कंपोनेंट है उसमें उसके ज़्यादा हम लोग VFD वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, स्पीड कंट्रोल ड्राइव, AC ड्राइव, इसका भी हर एक तरह का नाम है और काम भी सेम है। तो इसलिए हम लोग VFD का जो वर्किंग इन्वायरमेंट जो चाहिए, इन्वायरमेंट इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो उसमें लिए भी हम लोग VFD यूज करते हैं। तो जहाँ पे हम लोग को लेस नॉइज लेवल चाहिए तो उसमें हम लोग VFD यूज करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग एग्जाम के बारे में जब बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन एप्लीकेशन में हम लोग यूज करेंगे। तो इसमें और भी एडवांटेज है, आपका जो मैकेनिकल ट्रेस होगा और मैकेनिकल जो ट्रेस रहते हैं तो आपका जो सिस्टम का वो भी रिड्यूस होगा। तो इसलिए हम लोग दो मशीन है, मशीन का जो लाइफ टाइम है, जो मैकेनिकल ट्रेस हम लोग जब रिड्यूस करेंगे, आपका जो सिस्टम का लॉस भी जब रिड्यूस होगा, तो VFD जब रिड्यूस करेंगे तो उसमें आपका जो लाइफ टाइम है सिस्टम का वो भी इंक्रीज होगा। तो उसमें और भी एडवांटेज है, हम लोग को सेव स्पीक कंजम्पशन है, इसमें हम लोगों को जो स्पीक डिमांड है उसका जो मोटर का जो साइज का जो रिक्वायरमेंट है वो भी आपका रिड्यूस हो जाएगा, आपका एनर्जी भी सेम होगा, आपका जो रिक्वायरमेंट जो है उसमें भी आपका रिड्यूस हो जाएगा। आप VFD यूज करेंगे तो आपका छोटा से छोटा मोटर से भी आपका जो ड्राइव से आपका जो सिस्टम है वो भी आप चला सकते हैं। तो इसलिए आपका VFD का बहुत सारा एडवांटेज है, इसलिए हम लोग हाइब्रिडाइजेशन एप्लीकेशन में हम लोगों को जब
फैंस है, हम लोग जब रेफ्रिजरेटर है उसमें हम लोग VFD यूज किया, तो अदर हम लोग कंपोनेंट SMPS हम लोग यूज नहीं करते, नाउ डेज हम लोग VFD यूज करते हैं, तो यहाँ पे आपका ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। तो एप्लीकेशन में हम लोग जब बात करेंगे, एप्लीकेशन क्या है, फैन, पम्प्स, कंप्रेसर एंड हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा रेफ्रिजरेटर में हम लोग यूज करते हैं, तो इसमें आपका 75% हम लोगों को बेनिफिट हम लोगों को मिलते हैं, तो हम लोगों को ज़्यादा 75% बेनिफिट हम लोगों को मिलते हैं। तो एप्लीकेशन क्या है, आपका फैन, आपका जो पम्प्स है, कंप्रेसर है, आपका जो रेफ्रिजरेटर है और आपका जो हाइब्रिडाइजेशन एप्लीकेशन में हम लोग ए VFD यूज करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। कुछ कॉमेंट है तो आप कॉमेंट बॉक्स में कीजिए।